जिले के सारे निवासियों को ये बताना चाहता हूं कि कर्फ्यू में कल 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज सारी की सारी सारी जगह पे खुली रहेंगी, रेजिडेंशियल एरियाज में जैसे कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है और पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर है। रूरल एरिया की भी दुकानें खुली रहेंगी, हालांकि उनको शॉप्स और कमर्शियल एक्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, उनको 3 दिन की छूट दी गई है, 3 दिन के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके अलावा करीबन 10 कैटेगरी दुकानों की ऐसी भी हैं जो अल्टरनेट डेज पे खुलेंगी, और उसके लिए हमने तीनों शहर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हर सेक्टर में ये दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स जो एक दूसरे से दूर होंगी, और उन दुकानों को खुलने की परमिशन है, और ये एसेंशियल कमोडिटीज से ही रिलेटेड दुकानें हैं। और इसके अलावा अगर किसी को कभी कोई जरूरत पड़ेगी, अगर आपका कोई फीडबैक होगा, आपको किसी और एग्जम्पशन की जरूरत होगी, आप चाहते हैं कोई और दुकान खोल दी जाए, उसके लिए आप हमारे ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं। ये हम धीरे धीरे कर्फ्यू में रिलैक्सेशन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को खतरा कम हो। हमारे पास इस समय 4 कोरोना का पॉजिटिव केस है, और हो सकता है कि आगे भविष्य में जैसे जैसे कि लोग बाहर से आ रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, डिसिप्लिन रहें, और अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो हम और एग्जम्पशंस देंगे फ्यूचर में, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर मुझे क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, पुलिस लगानी पड़ेगी। कोशिश करिएगा कि मुझे ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं फरीदकोट वालों को एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि हमें ऑर्डर तो ये था कि और दुकानें अल्टरनेट डे खोली जाएं, लेकिन मैंने एसेंशियल सप्लाईज की जो कैटेगरीज है उसको मैंने पर डे खोल दिया है ताकि किसी इंसान को कोई किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो और उनको सारी चीजें मिल सके। मैंने थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन ले लिया है, बोल्ड डिसीजन इसलिए लिया है कि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर इनडिसिप्लिन रहे लोग, अगर उन लोगों ने इन चीजों के साथ कंप्लायंस नहीं लिया तो ये मैं ऑर्डर विड्रॉ कर लूंगा। दूसरी चीज, आखिरी चीज ये कि आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो अकेले जाइए, कार के साथ जा रहे हैं तो 2 लोगों के साथ जाइए, उससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। कोशिश कीजिए घर से सिर्फ एक आदमी निकले कर्फ्यू रिलैक्सेशन के दौरान। थैंक यू वेरी मच।